प्रधान, हम हैं जाम्बिया में। पीछे लड़के हैं, दारू पी के बकवास कर रहे हैं। तो साइकिल बाबा की इस यात्रा के 63वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ की करेंसी है क्या वो भी नहीं पता, सही बताऊँ तो पैसा सिम कार्ड, दोनों चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं। कुछ दिन यहाँ गुजरेंगे तो सब पता चल जाएगा। एक एक देश बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। बाकी दोनों चल रही है मस्ती से। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज, साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं कहाँ पे, हम लिलोंगवे में। कहाँ पे हैं? मलावी में। और आज हम घर पे 2 वीक रह के, इसको 2 वीक कोई अच्छी पिटाई विटाई करके अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी पिटाई हुई ये बता? 10,000। और अब हम हमारी बेटिया रानी को बोलते हैं बाय बाय। ठीक है बेटा, मस्त रहो, हमसे पारी तो कर दे के। थैंक यू बेटा, ओमसी मेरी बहुत प्यारी बेटी है भाई। और अभी मेरे साथ में भाई जा रहे हैं, सोमवीर भाई मेरे को छोड़ के आ रहे हैं यहाँ से बॉर्डर तक। बॉर्डर यहाँ से 80-100 किलोमीटर के करीब होगा। न्यू ईयर के आसपास यहाँ पे थोड़े से पंगे ज़्यादा होते हैं, तो बॉर्डर तक बोला कि मैं आपको बॉर्डर तक छोड़ के ही आऊँगा ताकि कोई बीच में पंगा ना हो, तो इसलिए हमें बॉर्डर तक पापा छोड़ के आ रहे हैं। तो साइकिल बाबा की एक नई कंट्री में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल को अनफॉलो कर दें। क्या क्या कह रहा था तू? ये एक ऐसा लड़का है जिसने मेरे वीडियो मेरे चैनल पे देख के और सबको डिसलाइक कर दिया, ऐसा किया ना? क्या करा और क्या, तो अब चूरमा खा खा के मोटे हो गए हैं, दोबारा से रेडी हो गए हैं, है ना बेटा? उमसी कितना चूरमा खाया अंकल ने? बहुत ज्यादा खाया। ये तो ना इसको सबसे ज्यादा मिस मैं इसको करूंगा भाई। सबसे ये करे ना करे मैं तो करूंगा भाई। देते हैं ध्यान रखना भाई और मिलते हैं इंडिया में, आ जाऊंगा तब तक तो तुम पहुंचो इंडिया, क्योंकि इनकी पोस्टिंग होती रहती है और किसी और कंट्री में फिर मिल जाएंगे। दूसरी बार मिले, तीसरी बार भी मिल सकते हैं। गन्नों को बिठाया गाड़ी के अंदर और दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको बैठने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं यार। थैंक यू बॉस, थैंक यू। मचिन जी आगे, मचिन जी जो है बॉर्डर सिटी है, लगभग हमें 100 किलोमीटर के करीब गाड़ी में सपोर्ट मिली है भाई की और इधर जाना है। बॉर्डर करके ना इतना डेवलप है भाई, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे न्यू ईयर के आसपास ये जो लोकल लोग हैं दारू पी के थोड़े ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं, तो भाई साहब बोले कि गाड़ी से चलते हैं, अब टोंट मत मारने लगना है। कमेंट सेक्शन भर देते हैं फिर भाई गाड़ी से कैसे गए ये वो, पर सेफ्टी फर्स्ट है भाई, सेफ्टी आया तो सब कुछ है। ठीक है, अगर सेफ्टी से नहीं चलोगे यहाँ पे लूट लिया तो मलावी में फिर भाई और के पल्ले पड़ूंगा कि भाई चलो नई साइकिल दिलवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, गाने तो जान है। तो अभी 10 किलोमीटर रह गए हैं, नया देश नए देश की तैयारियां होती है भाई। ये जो सारे मकान वकान दिख रहे हैं आपको और ये जो सामने पहाड़ी सी दिख रही है ये सारा जाम्बिया में है, तो बॉर्डर बिल्कुल हमारे रोड से 200-300 मीटर दूर दूर साथ साथ चलता आ रहा है। ये देखिए प्लांटेशन भी देख लो भाई साहब, इस साइड खेती हो रही है, उस साइड देखो डार्क पड़ा सारा। ये आ गया ना बॉर्डर भाई, हमें साइड में लगानी पड़ेगी कहीं, नीचे उतार लो भी। लो भाई ये बहुत बड़ा रीज़न था, बॉर्डर पे पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इंद्र देवता भी यूँ कह रहे हैं कि जा जल्दी जा जल्दी जा। अभी देखते हैं कितनी देर में थोड़ी बारिश बंद होएगी, फिर धन्नों को उतारेंगे। धन्नों को देखो कैसे लेटाया हुआ है बेचारी को, धन्नों को भी प्यार और घर वालों को भी टेंशन होगी, इतनी देर हो गई, ज्योति को भी टेंशन होगी कि फ़ोन कर रही है कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ऐसा भाई है मेरा, ये रो सकता है रो सकता है पक्की बात है और तुम्हें पता है कि थैंक यू अरुण भाई। भाई सो गाइस बारिश फिर स्टार्ट हो गई, मैंने जाम्बिया का इसका मलावी का तो एग्जिट कर लिया, अभी जाम्बिया रहता है, बारिश आ रही है भाई आप लोग निकलो प्लीज़, थैंक यू सो मच अगेन। फिर भाई आगे बॉर्डर तक भी, ठीक है, वो सामने लिखा हुआ वेलकम टू जाम्बिया।
तो अब हम जाम्बिया साइड में चलते हैं भाई। जाओ भाई वे। सो भाई ये जाम्बिया का बॉर्डर है, ये इमिग्रेशन है मलावी का और वो जाम्बिया का इमिग्रेशन है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, आराम से जाते हैं। जाम्बिया में हमारा जो स्वागत है इंद्र देवता ने बारिश के साथ में किया है, जो ही बॉर्डर क्रॉस किया बारिश स्टार्ट हो गई है। तो इन भाइयों के थैंक यू सो मच। हाउ टू से ब्रदर, हाउ टू से थैंक यू इन योर लैंग्वेज? Zikomo. 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 ओके Zikomo ब्रदर। और अभी जाम्बिया में अच्छा स्वागत हुआ। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ इमिग्रेशन पे। तो उन्होंने मेरे से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा, RT-PCR मांगा। RT-PCR दिखाने के बाद में बोले कि मेल दिखाओ, जो कि ईमेल आई है आपके डिपार्टमेंट से उस ईमेल के बेस पे। और फिर मलावी वालों ने फिर स्टैंप लगा दी और छोड़ दिया। वहाँ तक तो हमारे साथ में सोमवीर भाई थे। उसके बाद में मैं दूसरी साइड आ गया था, बारिश आ गई थी उस वजह से सोमवीर भाई को बोलना पड़ा बाय बाय। और इस साइड आने के बाद में क्या हुआ कि मैंने ई वीज़ा निकाला हुआ था यार, वो ई वीज़ा उन लोगों को दिखा दिया। तो ई वीज़ा देखने के बाद में उन्होंने पूछा कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे, वो सब मैंने बताया। और उसके बाद में मैंने बताया कि मैं साइकिल से आया हूँ। फिर मेरी बात होने लगी उनसे, फिर मैं उनका एक वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो पी के फिर मैं बाहर आ गया। तो इमिग्रेशन के साथ एक कोल्ड ड्रिंक और बन गई अपनी, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था भाई कैमरा वगैरह। बॉर्डर से थोड़ा सा ही अंदर आया हूँ, बारिश स्टार्ट होगी तो भाइयों का प्यार मिल रहा है। तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर पे एक शहर आएगा जहाँ पे कि हमारे समीर भाई हैं, उनकी कंपनी के काफ़ी लोग हैं। मैं उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है, उन लोगों के पास जाऊंगा और वहाँ पे आप लोगों की बात करूंगा, आप लोगों से बतलाऊंगा। भाई बारिश बंद हो गई है और भाइयों से बहुत सारा वो करने गए। यस थैंक यू सो मच। गो या सेफ ट्रिप। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड ये सबसे बेस्ट वेलकम था, बेस्ट वेलकम या इट्स रियली नाइस वेलकम। इंद्र देवता ने भी वेलकम किया और भाइयों ने भी वेलकम किया, और इतने वार्म हार्ट लोग हैं ना, मज़ा आ गया बात करके भी। तो दोस्तों हम हैं जाम्बिया में, जाम्बिया हमारी कंट्री नंबर 63 है। तो साइकिल बाबा की इस यात्रा के 63वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चीज़ बताऊँ, बड़ा खुश बोल रहा हूँ पर मन ही मन फैमिली को छोड़ने का बड़ा सा वो हो जाता है। 2 वीक भाई के पास में रहा और इतना मतलब अभी तो ना बड़ा दुख सा हो रहा है कि स्पेशली यार ओमसी शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत प्यारी सी बच्ची है, मज़ा आता था उसके साथ बैठे बैठे रहने का। और सोमवीर भाई थैंक यू यार, उम्मीद करता हूँ किसी देश में फिर भी मिलेंगे आपसे एक बार और। तो भाई मलावी में हमने लगभग 25 दिन निकाले हैं टोटल, राइड वाइड करके और करके। एक बड़ी सिटी थी जो कि हमें जाना था वो रह गई है, वहाँ नहीं जा पाए। इमोशनली हो जाता हूँ यार मैं थोड़ा सा जब रुक जाता हूँ ना, तो बस फिर लंबा टाइम, इसीलिए मैं किसी के घर पर ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक नहीं पाता हूँ। और जहाँ भी मैं हफ्ते से ऊपर रुक गया ना फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये भी पार्ट है यार जर्नी का, दुख सुख दोनों पहिए हैं यार। अब बारिश रुकी है थोड़ी सी, देखिएगा मौसम थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। और अभी हमें जो है 25 किलोमीटर जाना है बॉर्डर से आगे। बारिश आके बंद हो गई है और यहाँ पे रुक मतलब सूख गया सब कुछ। यहाँ पे पासपोर्ट चेक होगा अब मेरा। थैंक यू। जाम्बिया की कैपिटल सिटी लुसाका है। लुसाका जो है यहाँ से बॉर्डर से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, 600 से थोड़ी सी कम है। और अगले 5-7 दिन में हम वहाँ पहुँचेंगे जैसे तैसे धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया यार। पहला इंप्रेशन ठीक आया यार बारिश, और रोड ठीक है अभी तक तो, आगे पता नहीं। सीड कंपनीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे डेमो जो है सब्जियाँ वगैरह उगा के दिखा रहे हैं। बादल फिर आ गए हैं उधर, देखिए बारिश का फिर मौसम हो गया। तो एज सुन एज पॉसिबल आई नीड टू रीच चिपाटा, शहर का नाम है चिपाटा, जो कि अभी 15 किलोमीटर रह गया है। वहाँ पे भाई और वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों से मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, मस्तियाँ करेंगे। नए शहर में पहली बार हमें जो ज़रूरत होती है पैसा, सिम कार्ड, दोनों चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं। करंसी कैसे चेंज होएगी, मेरे को तो इवन मैं जाम्बिया में इंटर कर गया हूँ, यहाँ की करंसी है क्या वो भी नहीं पता। सही बताऊँ तो मलावी की करंसी को तो क्वाचा बोलते थे, यहाँ की करंसी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार। कुछ दिन यहाँ गुजरेंगे तो सब पता चल जाएगा। बस मेरी कोशिश ये है कि मैं बारिश से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। और भाइयों का अभी बॉर्डर पे उन्होंने मुझे एक एड्रेस बताया था, तो एड्रेस था खाना खजाना इंडियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ पहुँचना है अभी हमें। बाकी धन्नो चल रही है मस्ती से। जो जो
एक एक देश बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखोगे 200 देश जब तक पूरा ना करूँ मैं। लव यू यार। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करे बगैर मत निकलना, और लाइक का बटन दबा दोगे तो सोने पे सुहागा। बाकी हम तो अगले देश में भागा, क्या बात है, मैंने तो शायरी कर दी यार। ये रेलवे क्रॉसिंग आई है यार, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई रेलवे क्रॉसिंग है, लिलोंगवे से लुसाका तक की अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अभी इस पर कुछ नहीं चलता ट्रेन व्रेन। पीछे लड़के हैं दारू पी के बकवास कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है। अगर गले पड़ोगे तो पड़ सकते हैं। और चिपाटा जो है 5 किलोमीटर रह गया भाई। थैंक यू ब्रदर। और न्यू फाइन फाइन न्यू ईयर के 4-5 दिन पहले 4-5 दिन बाद में थोड़ा सा इनका दिमाग खिसक जाता है, लूटपाट ज़्यादा होती है। यही रीज़न था कि मैं बॉर्डर तक भाई के साथ आया। बारिश आने से पहले पहले हम चिपाटा पहुंच गए हैं। खाना खजाना अभी 2 किलोमीटर दूर है, बट सिटी में एंटर करके, काफ़ी बड़ी सिटी है, यहाँ की सबसे बड़ी सिटियों में से एक है चिपाटा। और सब लोग वीकेंड का एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सड़क पे बोतलों की बौछार है, बोतल तोड़ रखी हैं बहुत सारी। होटल है क्रिस्टल करके, कोई प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे छतों पे चढ़ चढ़ के प्रोग्राम देख रहे हैं। और देश में पहला कोई गाड़ियों का शोरूम दिखा है मुझे, तो टाटा ऑटो मैकेनिकल वर्कशॉप, टाटा मोटर्स, सबसे पहले टाटा मोटर्स का दिखा भाई। तो जाम्बिया में हमारा स्वागत टाटा मोटर्स ने किया है इंडियन के नाम पे। साइकिल रूट बना रखा है भाई, मज़ेदार। पिछले 4-5 किलोमीटर से साइकिल रूट चल रहा है इस देश में। इस शहर में तो काफ़ी बड़े बड़े सुपर स्टोर है यार, ये रहा चौपीस, इधर स्पा रहा, पीछे शॉप राइट था। तो जाम्बिया इज़ मोर डेवलप्ड देन मलावी। यार चिपाटा तो काफ़ी बड़ा शहर है, ये देखिए फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है, क्वाचा फर्टिलाइज़र। और 6 किलोमीटर मैं रोड पे चल रहा हूँ, अभी तक भी मैं अपनी जगह पे नहीं पहुँचा हूँ। 6 किलोमीटर हो गए मुझे राइड करते हुए शहर के अंदर, तो काफ़ी लंबा है। लो भाई हमें राइट लेना है एक बार, यहाँ से राइट की साइड में थोड़ा सा। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ चिपाटा। चिपाटा है ना सर आपका सर? तो और साथ में सर जी आ गए हैं, और सर जी से मिल लिए। और सर जी क्या लिया, मेरी कैप लेके आई, थैंक यू। ये हमारी ईवा बेटी है, हेलो ईवा। हम रुके हैं खाना खजाना में, तो मैं सर जी के साथ में थोड़ा सा घर की तरफ आ गया था, चाय वाय पिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इन्होंने मेरा सारा रहने का अरेंज कर दिया। और ये ईवा बेटी तुम चल मेरे साथ चल तू। मैं एक को छोड़ के आया हूँ, एक और मिल गई मुझे, वहाँ पे भी उनकी एक छोटी सी गुड़िया थी। तो भाई अभी हम एक बार खाना खजाना जाके और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे और फिर कल का प्लान बनाएंगे। तो आज जाम्बिया में पहला दिन सर जी के साथ में, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम, ऑल इंडियंस आर वेलकम हियर। और चिपाटा के बारे में कहते हैं कि चिपाटा बड़ा खूबसूरत सा यहाँ का हिल स्टेशन की तरह है जाम्बिया का। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर बता रहे थे कि यहाँ पे जो ओल्ड इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी है, कितने के होंगे अप्रोक्सीमेट आइडिया? अप्रोक्सीमेटली 300 फैमिलीज होगी। अरे वाह, 300 फैमिली के करीब लोग यहाँ पे इंडियन रहते हैं। सो गाइज मेरे को ये खाना खजाना करके चिपाटा में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो क्या बार और रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। ईस्टर्न जाम्बिया में अकेला ही एक ये इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि बॉर्डर के पास वाली चिपाटा सिटी के अंदर है। तो मैं इसके अंदर रुका हुआ हूँ और गन्नों को खड़ा किया है। और चूरमा ज्योति ने चूरमा पैक करके दिया था भाई मेरे को, चूरमा खा रहा हूँ। और अब मैं सोने की करता हूँ तैयारी। एक्चुअली क्या है कि बाहर जो है बार और डांस वगैरह हो रहा है, लोग लोकल लोग जो है मज़े कर रहे हैं अपने, तो मैं तो अपना बिस्तर पकड़ता हूँ भाई। और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।